जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीसलपुर पेयजल लाइन में फिर से लीकेज हुआ है। सूरजपुरा प्लांट से जयपुर की ओर 5 किलोमीटर दूर ये लीकेज है। लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है और खेतों में भर रहा है। और अब जुलाई में फिर लेना होगा बीसलपुर का शटडाउन। अधीक्षण अभियंता सतीश जैन की मॉनिटरिंग पर कई सवाल अब उठ रहे हैं। पहले भी मंत्री महेश जोशी दिखा चुके हैं नाराजगी, और देखिए लगातार तीसरी बार इस तरह का ये पूरा मामला सामने आया है। लीकेज से खेतों में पानी भर चुका है और अब देखिए जानकारी जो सामने आ रही है, जुलाई में एक बार फिर से शटडाउन हो सकता है। लगातार ये तीसरा मामला, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अधीक्षण अभियंता सतीश जैन की मॉनिटरिंग पर अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो मंत्री महेश जोशी इस पूरे मामले पर नाराजगी भी दिखा चुके हैं। यानी कि देखिए अब एक बार फिर से आम जनता को परेशानी होने वाली है शटडाउन से, क्योंकि लीकेज का देखिए ये जो पूरा मामला सामने आया है। ऐसे में खेतों की तस्वीर आप देखेंगे कि खेत किस तरह से भर चुके हैं पानी से। लाखों लीटर पानी बर्बाद होकर खेतों में भर रहा है। और ऐसे में देखिए सूरजपुरा प्लांट से जयपुर की ओर 5 किलोमीटर दूर ये लीकेज हुआ है। हालांकि देखिए वजह क्या कुछ रही है इसको लेकर अभी जानकारी नहीं आ पाई है, पर लाखों लीटर पानी अभी बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लीकेज की तस्वीरें, जिससे लाखों लीटर पानी खेतों में अब भरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि देखिए समझा जा सकता है कि जुलाई में अब फिर से बीसलपुर का शटडाउन होगा। हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नरेश जी, लगातार तीसरी बार इस तरह की घटना, कई सवाल उठते हैं। बिल्कुल, देखिए इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग को लेकर सवाल पहले भी उठे हैं और एक बार जिस तरह से ये लीकेज सामने आया है, जिस कारण से लाखों लीटर पानी बहा है, खेतों में गया है, उस पर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई है। और इसी कारण से अब चूंकि गर्मियों का मौसम है और लगातार शटडाउन जैसी स्थिति होती है, पहले भी शटडाउन दो बार लिया गया, अचानक शटडाउन लिया गया था, 3 दिन तक जयपुर में पानी नहीं आया था। अब चूंकि इस लीकेज को रोकना है तो फिर से उसी तरह की कार्रवाई विभाग को करनी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं उन अधिकारियों पे जिनके जिम्मे इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग है, क्योंकि अगर सर्दियों में काम हो जाता, पूरे प्रोजेक्ट की लगातार मॉनिटरिंग होती, कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है, कहीं वाल कोई लीकेज तो नहीं है, उनको समय पर ठीक करते, तो आज इससे नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अधिकारियों ने मॉनिटरिंग नहीं की, जो भी इससे जुड़े हैं उनका जिम्मा है। तो ऐसे में एक बार फिर जयपुर वासियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और बिल्कुल नरेश जी, लगातार देखिए जानकारी पूरे मामले को लेकर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।